तो ये मैंने आरजेएस से ही बात करी है, तो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ली है उनसे और सारी चीज उन्होंने बताई क्या क्या रहता है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस को इन हैंड सैलरी क्या मिलती है। मैंने ग्रॉस सैलरी पे तो वीडियो बना रखा है, काफी सारे स्टेट कवर कर रखा है, बट इन हैंड क्या सैलरी रहती है, मतलब कटकुटा के कितनी सैलरी मिलती है इनकम टैक्स कटने के बाद, और चीजें भी कटती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो डिटेल में बात करेंगे। तो ये मैंने आरजेएस से ही बात करी है, तो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ली है उनसे और सारी चीज उन्होंने बताई क्या क्या रहता है, तो आज इस पे ही बात करेंगे। और मैं लास्ट वीडियो में पूछा था कि बनाऊं क्या, तो काफी कमेंट आए थे, तो इसलिए मैं पूछता भी रहता हूँ बच्चों से इस पे वीडियो बनाऊं क्या, तो कमेंट अच्छा आते हैं तो मैं बना देता हूँ, क्योंकि पता चलता है कि हाँ जानना चाहते हैं लोग, इसके बारे में जानना चाहते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती भी नहीं है कहीं कहीं, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। आप एक भी वीडियो भेज देना मुझे, ऐसा कोई मिल जाए आपको इन हैंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दे कि जजेस को ये सैलरी मिलती है। और आपको पता है सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई हो चुका है, तो ऑल ओवर इंडिया एक ही सैलरी है, तो मैं लिंक डाल दूंगा, काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, 12 से 13 स्टेट भी कवर कर रखे, उनके लिंक भी नीचे मिल जाएंगे आपको। और कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का डाला है, उसका वीडियो का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो सारी चीजें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो देखना है, फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन भी दबा देना, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो भी कर ले, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी कोई क्वेश्चन हो तो। देखो अब बात करते हैं आरजेएस की क्या सैलरी रहती है। आरजेएस का ही मिला, आप लोग पूछोगे सर इधर का ही बताओ उधर का ही बताओ, तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आरजेएस का ही मान लो, मोटा मोटा सेम ही होगा हर स्टेट में, क्योंकि सबको इनकम टैक्स देना होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम का है थोड़ा चेंज, कई जहां जैसे राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम अप्लाई हो चुकी है, बट कई जगह नेशनल पेंशन स्कीम भी चलती है, तो उसका भी डिफरेंस बता दूंगा क्या रहता है, बट आप विदाउट स्किप करके देखना वीडियो, तभी समझ में आएगा कुछ पॉइंट भूल। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था यूपी का, एपीओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कमेंट में मतलब मैसेज करते थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने एक जनरल बताया था कि ये हो सकता है, ये होता है, मैंने बोला कि हर साल होती है, हर साल मतलब मैंने यही बोला था, लॉकडाउन आया उसमें उस बीच नहीं हुई, 2-3 साल का गैप हो गया, पर देखा जाए तो अधिकतर हर साल ट्राई करते हैं यूपी वाले कि हो जाए एपीओ का वैकेंसी, तो बट लोगों को समझ नहीं आती, फिर कमेंट करते हैं लोग। मुझे पता है भी रिजल्ट नहीं आया मेंस का यूपी का, मैंने ये बोला भी था इंटरव्यू की डेट आना बाकी है, बट कुछ लोग समझते नहीं है, इसलिए कहता हूँ विदाउट स्किप करके वीडियो देखा करो, बहुत सही चीजें मैं वीडियो में बोल देता हूँ, बट आप स्किप कर देते हो तो आपको समझ में नहीं आता। चलो छोड़ो इसकी बात, देखो अब बात करते हैं आरजेएस की एंट्री लेवल को क्या मिलती है। देखो एंट्री लेवल की बेसिक पे रहती है 77840, और मैंने जिनसे बात करी है उनकी बेसिक पे है 92960, मतलब 93,000 के आसपास बेसिक पे है। क्यों है? क्योंकि उनको 5 साल हो गए, 5 साल में बेसिक पे चेंज हो जाती है, एंट्री लेवल पे बेसिक पे रहती है 78,000 के आसपास, और 5 साल हो जाते हैं तो उनकी बेसिक पे इंक्रीज हो जाती है 93,000 के आसपास हो जाती है। तो मैं उनका बताऊंगा जो उन्होंने बताया था, तो उनको लगभग 2.5 से 3 लाख टैक्स देना पड़ता है सैलरी पे, इनकम टैक्स, तो उन 2.5 से 3 लाख टैक्स देना है तो उनको लगभग हर महीने कितने रुपए कटवाने पड़ेंगे, 20,000 के आसपास उनको कटवाने पड़ेंगे। देखो डिपेंड करता है जज के ऊपर, उन्होंने बताया कि डिपेंड करता है, कोई 10 भी कटवा सकता है, कोई 25 भी कटवा सकता है, उनके ऊपर है कितना कटवाना है, पर आप तो मान के चलो 20,000 उनको कटवाने पड़ेंगे सैलरी। मैं ग्रॉस सैलरी बताऊंगा कितनी बनती थी उनकी सारी चीज, पहले अपन डिडक्शन की बात कर लेते हैं क्या क्या डिडक्शन होता है। इनकम टैक्स उनका 2.5 से 3 लाख बनता है, तो उनको 20,000 के आसपास कटवाने पड़ते हैं। अब आप सोचोगे जो बेसिक पे 78,000 है उनका क्या रहता है, तो जो नए नए लगे हैं जो एंट्री लेवल के होते हैं उनकी ये रहती है बेसिक पे 78,000, तो उनको मान के चलो 11 से 15,000 कटवाने चाहिए, तो जब टैक्स आता है तो दिक्कत नहीं होती, तो एक साथ पे करना पड़ता है, पे तो आपको करना पड़ेगा, ज्यादा पे कर दिया तो आपको रिफंड भी मिल जाता है इनकम टैक्स का, तो वो इशू नहीं है ज्यादा पे हो गया तो, बट अगर आप हर महीने कटवाते रहते हो तो लोड नहीं पड़ता आपके, तो उनको मान के चलो 11 से 15,000 रुपए कटवाने पड़ेंगे इनकम टैक्स के लिए। फिर उनका करता है एक जीपीएफ, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, तो मतलब ये मान के चलो रिटायरमेंट में पैसा जो होता है ना वो मिलता है, उसमें से एक ये भी पार्ट है जीपीएफ, तो ये लगभग 6,000 के आसपास कटवाने पड़ता है, तो ये 6,000 के आसपास कटवाने पड़ता है। और एक होता है एसआईपी, वो मिनिमम 3,000 रुपए तो कटवाने पड़ेंगे, और जिनसे मैंने पूछा है उनको 7,000 रुपए देने पर 7,000 देता है वो, तो ये है एसआईपी भी कटवानी पड़ती है।
तो ये तीन चीजें करती है एक सिविल जज की सैलरी में से, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में ये तीन चीजें करती है, इनकम टैक्स, जीपीएफ, एसआईपी। अब क्योंकि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने लगी है राजस्थान में, तो एनपीएस का पैसा नहीं कटता उनका। तो पहले क्या होता था राजस्थान में, जैसे राजस्थान में पहले भी एनपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत ने चालू कर दी, गहलोत जी ने, जो सीएम है अपने राजस्थान के। तो जब ये एनपीएस लागू था 10,000 और कटता था, तो 10,000 रुपए और कटता था और 10,000 गवर्नमेंट डालती थी, तो दोनों को मिलकर डालना पड़ता था पैसा। तो इसका पैसा बच गया अब आरजेएस का, तो 10,000 अब कटता नहीं, 10,000 एक्स्ट्रा मिलने लग गए। और गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, तो मतलब किसी भी इम्प्लॉय को अपनी जेब से पैसा देना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ही मिलाती है सारी चीजें। और जो जब रिटायर्ड होता है तो उस टाइम जो सैलरी रहती है उसका 50% बन जाती है पेंशन। तो ये चीजें रहती है ओल्ड पेंशन स्कीम में, और काफी चीजें, बहुत सारी बेनिफिट है ओल्ड पेंशन स्कीम पे, तो वीडियो है नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा, मोटा मोटा आपको बता दिया मैंने। तो आप बोलोगे ग्रॉस सैलरी क्या रहती है, जिनसे मैंने बात करी थी उनकी ग्रॉस सैलरी थी 1,40,000 के आसपास, है ना, ग्रॉस सैलरी थी। सिविल जज ही है, आरजेएस ही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही है, और बट उनको 5 साल हो गए थे, तो उनकी ग्रॉस सैलरी 1,40,000 के आसपास थी। और उनको घर मिला हुआ है तो इसलिए एचआरए नहीं उठाते, ये विदाउट एचआरए है सैलरी, एचआरए उठाए तो अगर मान के चलो 20,000 का घर भी ले रहे हैं तो 1,60,000 के आसपास हो जाती है। एचआरए नहीं मिलता क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट हाउस है, तो एचआरए नहीं उठा सकते हो, और ये सारी चीजें रहती है। तो 1,40,000 के आसपास सैलरी थी, अब मान के चलो 20,000 रुपए कटवाते हैं इसमें से इनकम टैक्स में, और फिर 26,000 ये हो गए, और 7,000 के आसपास ये हो गए, कितने हो गए, मतलब 30-32,000 के आसपास कटेंगे उनके, जो भी है सारी चीजें 20, हाँ मेरी मैक्स कमजोर है आप लोग जोड़ लेना, 30 के आसपास वो कटवाते हैं तो उनकी सैलरी क्या रह गई, मतलब 1,10,000 के आसपास उनकी सैलरी इनहैंड आती है, मतलब जो 5 साल जिनके हो गए एचआरए नहीं उठा रहे, तो लगभग 1,10,000 उनकी सैलरी कैश मिलता है उनको इनहैंड कट कुटाने के बाद सारी चीजें। और जो सिविल जज है उसकी मान लो ग्रॉस, जो एंट्री लेवल की बता देता हूँ आपको, जो ट्रेनिंग के बाद पहली बार भिड़ते हैं, तो उनकी एक ग्रॉस मान के चलो 1,22,000 के आसपास होगी, तो उनको थोड़ा कम कटवाना, उनको 90,000 के आसपास इनहैंड कैश मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें रहती है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा सिविल जज को इनहैंड कितनी सैलरी मिलती है। और सारी चीजें मैं एक बार बता देता हूँ, जिनसे मैंने बात करी थी उनको 5 साल हो गया था जॉब को, तो उनकी बेसिक पे 93,000 के आसपास है, तो इसलिए उनकी ग्रॉस सैलरी है 1,40,000 के आसपास, 1,40,000 42 भी हो सकते हैं, मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, 1,40,000 के आसपास उनकी ग्रॉस सैलरी है। बट उनको एचआरए नहीं मिलता क्योंकि एचआरए उन्होंने घर ले रखा है सरकारी, अगर एचआरए अनलिमिटेड है राजस्थान में, 30,000 का घर भी ले सकते हैं, 40,000 का घर भी ले सकते हैं, कितने भी हजार का घर ले सकते हैं, गवर्नमेंट उनको पे करेगी। तो विदाउट एचआरए 1,40,000 है सिविल जज की, मतलब आरजेएस की जो पहली बार पोस्टिंग मिलती है उनकी, तो उनको कटकुटा के 30,000 के आसपास कटते हैं, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। तो ये कटते हैं, ग्रॉस सैलरी 1,40,000 के आसपास रहती है, इन हैंड मान के चलो 1,10,000 के आसपास मिलता है। तो ये सारी चीजें रहती है, ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी फॉलो कर लो, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो मुझे रिप्लाई मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। और ये टॉपिक भी कवर हो गया आज, और कुछ बताओ आप लोग, देखो तो ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, और तो टेंशन मत लो, अच्छा टॉपिक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो। अब मुझे पता है बहुत लोगों का आएगा सर इधर का ही बताओ, इनहैंड सैलरी क्या मिलती है, इनहैंड सैलरी इधर क्या मिलती है, तो आप मान के चलो कई जगह ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है तो उनको एनपीएस में कटवाना पड़ेगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, इतना तो कटवाना ही पड़ेगा। एनपीएस में राजस्थान में 10,000 के आसपास कटते थे और 10,000 गवर्नमेंट जोड़ती थी, तो यही मान के चलो 19-20 हो सकता है, 10,000 आप 11,000 करते हो, कोई 12,000 करते हो, तो 19-20 अंतर हो सकता है, बाकी सेम ही रहती है सारी चीज ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई हो चुका है, सैलरी तो सब जगह एक ही है। जैसे महाराष्ट्र में पेंशन मिलती है क्योंकि वहां के मैंने बताया था आपको गवर्नमेंट जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सुओ मोटो कॉन्ग्रेस लेके कर लिया था। चलो ठीक है, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।